गाइस आज के वीडियो में हम फोर फुजी के बॉयज के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। तो गाइस वो फोर फुजी के बॉयज होने वाले हैं नोबिता, केनिची, बर्मन और कितरेत्सु। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो। तो गाइस आज के वीडियो में हम इन चार फुजी के बॉयज के बीच में कंपेयर करने वाले हैं। तो गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस इस वीडियो का क्रेडिट हमारे एनिमे स्पिरिट सर को जाता है। तो गाइस मतलब ऐसे था, उन्होंने आज से 5 मंथ्स पहले मतलब वीडियो डाली थी अपने चैनल पर। मैंने मतलब 5 मंथ्स पहले ही देख ली थी, बट फिर मैंने उनसे कुछ दिन पहले मतलब पूछा कि क्या मैं सर आपकी मतलब ये वीडियो है मतलब डाल सकता हूँ अपने चैनल पर, मैं आपको क्रेडिट फुल दूंगा। मतलब मैंने उनके वीडियो से काफ़ी बीच में से आइडियाज़ लिए हैं, तो गाइज़ इसलिए मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। गाइज़ अगर वैसे तो आप सभी लोग एनिमे स्पिरिट सर को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ उनका चैनल चेकआउट कर लेना और उनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ अब हम बिना आपका टाइम वेस्ट करते हैं हम वीडियो के टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में मतलब होगा ऐसे कि मैं मतलब दूंगा नंबर, मतलब मैं तो गाइज आज की वीडियो में मैंने मतलब कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करे हैं। उन पॉइंट्स में मैं सभी को 1 से लेकर 4 तक की रैंकिंग दूंगा, जिस मतलब वीडियो के एंड में जिसकी रैंकिंग होगी सबसे कम तो वो गाइज वीडियो का विनर। जी हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और करते हैं आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज कंपेयर नंबर 1 ये होने वाला है हाइट, क्योंकि गाइज हाइट जो कि है फिजिकली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकली बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। तो गाइस नंबर फर्स्ट पर आता है कितरेत्सु और परमन, इन दोनों की हाइट है 144 सेंटीमीटर। और सेकंड पर आता है नोबिता, नोबिता की हाइट है 140 सेंटीमीटर। और थर्ड पर आता है केनिची और केनिची की हाइट है 132 सेंटीमीटर। तो गाइस आज की वीडियो का सेकंड पॉइंट ये रहने वाला है स्टडी, कि कौन स्टडी में मतलब कितना बेहतर है। या गाइस आप सही सुन रहे हो, तो इसमें मेरे को मतलब आपको कुछ बताने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो नंबर फोर्थ पर आता है हमारा नोबिता। तो गाइस आप जानते ही होंगे, नोबिता ने एक अपने एपिसोड में खुद ही बताया था कि 5 में से उसके 1 टेस्ट में 0 आता है। तो गाइस नंबर थर्ड पर आता है केनिची, केनिची भी पढ़ाई में कुछ इतना अच्छा नहीं है, बट वो नोबिता से तो फिर भी काफ़ी बेहतर है, उसके इतनी बार मतलब 0 नहीं आते जितनी बार नोबिता के आए होते हैं। और नंबर सेकंड पर आता है परमन। जी हाँ गाइस आप सही सुन रहे हो, परमन भी स्टडी में बट कुछ इतना अच्छा नहीं है, बट वो सोशल साइंस में जो कि बहुत ही मतलब अच्छा है। तो गाइस नंबर फर्स्ट पर आता है कितरेत्सु, जो कि साइंस में और मैथ्स में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और सोशल में भी। तो गाइस ये था मतलब स्टडी का कंपैरिजन। तो गाइस अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस नंबर थर्ड कंपैरिजन होने वाला इंडिपेंडेंसी ऑन फ्रेंड, तो कौन अपने फ्रेंड पर ज़्यादा मतलब डिपेंड रहता है। तो गाइस इस वीडियो में मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब गाइस जो केनिची है वो भी निंजा हथौड़ी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, और नोबिता भी बहुत ज़्यादा रहता है, और परमन भी अपने रोबोट पर जो कि है बहुत ही ज़्यादा डिपेंड रहता है, जो कि कितरेत्सु है वो एक तरह से मतलब कोरोसुको को संभाल ही रहा है, मतलब जिसका इतना दिमाग है नहीं, जो कि हमेशा मुसीबतें खड़ी करता है। तो गाइस नंबर 1 पर होगा मतलब थर्ड कंपैरिजन में कितरेत्सु, और सेकंड पर होगा परमन, और थर्ड पर होगा नोबिता, और फोर्थ पर होगा केनिची। तो गाइस बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नोबिता को फोर्थ नंबर पर होना चाहिए था, बट मेरा ओपिनियन थर्ड पर है, क्योंकि स्टैंड बाय मी में हमें दिखाया जाता है कि जो कि नोबिता है वो मतलब जब डोरेमोन जाने वाला होता है तो मतलब खुद को संभाल लेता है, और फ्यूचर एपिसोड्स में भी मतलब नोबिता जो है मतलब बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है और समझदार बन जाता है। तो गाइस मेरा तो कहना है कि नोबिता जो है मतलब एपिसोड्स में तो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है डोरेमोन पर, बट मूवीज़ पर वो कुछ इतना डिपेंड नहीं रहता, और स्टैंड बाय मी में तो उसने मतलब जियान का काफ़ी अच्छी तरह से विदाउट गैजेट मुकाबला भी करा था। तो गाइस अब हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो के। तो गाइस आज की वीडियो के फोर्थ मतलब कंपेरिजन में आता है पॉइंट में फिजिकली फिटनेस, के कौन कितना फिजिकली फिटनेस है। जी हाँ गाइज आप सही सुन रहे हो, तो गाइज मैं आपको सीधा सीधा मतलब बता देता हूँ कि गाइज फोर्थ नंबर पर आता है कितरेत्सु। गाइज वो स्टडी में तो बहुत अच्छा है, इन्वेंशन भी बहुत अच्छे करता है, बट फिजिकली फिट कुछ इतना है नहीं। और थर्ड नंबर पर मतलब आता है केनिची, क्योंकि उसके साथ है एक निंजा जो कि उसको फुल टाइम ट्रेनिंग देता ही रहता है। और गाइस सेकंड नंबर पर आता है हमारा नोबिता, जो कि मतलब गाइस हमको एपिसोड्स में तो उसको इतना फिजिकली फिट नहीं दिखाया जाता, बट मूवीज़ में नोबिता काफ़ी मतलब फिट रहता है, उसकी काफ़ी मतलब अच्छी फिटनेस दिखाई जाती है, वो कैसे मतलब एनिमीज़ का सामना करता है। तो गाइस नंबर 1 पर तो वो परमन रहेगा,
तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि परमैन अपने बिना हेलमेट के, बिना परमैन वाले कपड़ों के कुछ है नहीं। मेरे को भी गाइस बट यही लगता है, बट वो काफ़ी मतलब फिर भी अच्छा है। एक तो मतलब घर के भी मतलब अपने काफ़ी काम करता है, और वो लोगों को भी मतलब लोगों की भी इतनी हेल्प करता है, थक जाता है पर तब भी वो स्कूल जाता है और इतनी मतलब काम करता है। तो गाइस फिजिकली फिटनेस मेरे को लगता है कि वो परमैन ही है। तो गाइस आज के वीडियो के फोर्थ पॉइंट की सॉरी फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम अब। तो गाइस आज के वीडियो के फिफ्थ पॉइंट होने वाला है डिसीजन मेकिंग पावर की, कौन कितनी ज़्यादा जल्दी मतलब डिसीजन ले सकता है और कौन कितना अच्छा डिसीजन ले सकता है। गाइस आपका बिना टाइम वेस्ट करते मैं सीधा आपको बता देता हूँ। तो नंबर फोर पर आता है कितेत्सु, नंबर थर्ड पर आता है केनिची, और नंबर टू पर आता है परमैन, और नंबर फर्स्ट पर आता है नोबिता। जी हाँ गाइस मतलब डोरेमोन की मूवीज़ में नोबिता बहुत ही ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस इसी वजह से नोबिता इस पॉइंट पर नंबर वन पर आता है। तो गाइस हम बिना टाइम वेस्ट करते अब हम सिक्स्थ कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं कि सिक्स्थ कंपैरिजन क्या होने वाला है। तो गाइस सिक्स्थ कंपैरिजन होने वाला है अपने आसपास की मतलब दुनिया को किसने कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, मेन मतलब कि किसने अपनी क्रश को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो गाइस ये होने वाला है। तो गाइस मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ इस लिस्ट में मतलब मतलब इस कंपैरिजन में नंबर फोर्थ पर कोई नहीं होगा, नंबर थर्ड पर है केनिची की, वो अभी तक युमिको को मतलब कुछ इतना पटा नहीं पाया, कुछ इतना इन्फ्लुएंस कर नहीं पाया है। और नंबर सेकेंड पर आते हैं दो लोग जो कि है नोबिता और परमैन, क्योंकि गाइस नोबिता इसलिए नंबर सेकंड पर आता है क्योंकि फ्यूचर में पता लग चुका है कि नोबिता की जो कि मैरिज है वो शिज़ुका से होने वाली है। और यहाँ तक कि लोगों को ये भी शक है कि केनिची की जो मैरिज है युमिको से फ्यूचर में होगी भी या नहीं होगी। और गाइस मतलब नंबर फर्स्ट पर आता है कितेत्सु, क्योंकि गाइस उसका तो कोई नोबिता की तरह कोई राइवल भी नहीं है, जैसे नोबिता का राइवल है डेकिसुकी। तो गाइस मतलब ये भी वो हो सकता है क्योंकि सारा जो कि मियोको का इन्फ्लुएंस है सारा ही मतलब केनिची की सॉरी कितेत्सु के ही ऊपर है। तो गाइस इस वजह से कितेत्सु जो है नंबर वन पर आता है। तो गाइस मैं बीच बीच में कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप नोटिस मत करना और मेरे को आप प्लीज़ माफ़ कर देना। तो गाइस नंबर सेवन पॉइंट होने वाला है सोशल हैबिट की, कौन सोशल हैबिट में कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो गाइस इसमें मैं गिनती सीधी पढ़ना चाहूँगा। नंबर फर्स्ट पर आता है कि कितेत्सु, जो कि गाइस वो सही में ही बहुत ही मतलब सोशल हैबिट्स में अच्छा है, अपने आसपास के लोगों का मतलब अपने से बड़ों का सम्मान भी करता है। और सेकेंड पर आता है केनिची, क्योंकि उसके साथ एक निंजा जो कि उसको कोई भी गलत काम करने नहीं देता। और गाइस नंबर थर्ड पर आता है परमैन, क्योंकि गाइस अगर आप सच्चे में परमैन फैन हो, अगर आपने जापनीज सबटाइटल में देखा होगा मतलब जापनीज सब में अगर आपने कभी भी परमैन देखा होगा तो आपको उसकी सोशल हैबिट्स के बारे में पता लग जाएगा। तो गाइस नंबर फोर्थ पर आता है नोबिता, जो कि सही में सोशल हैबिट्स के नाम पर मतलब क्या ही बोलो बहुत ही बुरा है, मतलब बहुत ही बुरा है। आप उसको मतलब शिनचैन लाइट भी बोल सकते हो नोबिता को उसके मतलब सोशल हैबिट्स के मामले में। तो गाइस नंबर एट पॉइंट होने वाला है रिस्क टेकिंग की, कौन कितना रिस्क उठा सकता है। तो गाइस मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, फोर्थ नंबर पर आता है कितेत्सु, जो कि रिस्क लेने से बहुत ही ज़्यादा घबराता है। और गाइस नंबर थर्ड पर आता है परमैन, जो कि मतलब रिस्क तो काफ़ी लेता है बट वो बिना परमैन के कपड़ों के कुछ नहीं कर पाता। और गाइस नंबर सेकंड पर आता है केनिची, जी हाँ गाइस आप सही सुन रहे हो, क्योंकि हमारा एक निंजा है और केनिची मतलब बहुत ही मतलब फिजिकली वीक इंसान है, पर वो तब भी एक निंजा से लड़ पड़ता है। तो गाइस मतलब बहुत ही बड़ी बात है एक निंजा से सिंपल बंदा मतलब लड़े, सिंपल इंसान लड़े, तो गाइस इसलिए आता है। और गाइस नंबर वन पर आता है नोबिता, जो कि नोबिता जो है लिटरली डोरेमोन की मूवीज़ में मतलब बहुत ही मतलब पावरफुल, बहुत ही अच्छा दिखाया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्क लेते हुए हमें मतलब डोरेमोन की मूवीज़ में नोबिता को दिखाया जाता है। अगर बात आती है मतलब नोबिता के दोस्तों पर तो नोबिता कोई भी रिस्क लेने को मतलब तैयार हो जाता है अगर उसके दोस्तों पर बात आई हो। तो गाइस इसलिए नंबर वन पर मैंने नोबिता को रखा है। तो गाइस नंबर नाइन पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है सेल्फिशनेसनेस की, कौन कितना कम सेल्फिश है। तो गाइस नंबर थर्ड पर दो लोग आते हैं, जो कि है कितेत्सु और परमैन, जो कि गाइस सही में ही बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। अगर आप इनकी सीरीज देखते होगे तो आपको पता होगा कि ये दोनों कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं।
तो गाइस नंबर सेकंड पर आता है नोबिता। ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है बट इतना भी नहीं है। ये मतलब अपने बारे में बहुत सोचता है बट बाकियों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नंबर फर्स्ट पर आता है कैनिची, जो कि वो भी कैनिची भी सही में बहुत ज़्यादा सेल्फिश है बट इतना भी नहीं है, बाकियों की तरह इतना नहीं है। तो गाइस नंबर फर्स्ट पर इसलिए कैनिची आता है इस पॉइंट में। तो गाइस नंबर 10th कंपैरिजन होने वाला है लुक। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, नंबर 10th ही मतलब लास्ट मतलब मैं रखने वाला हूँ पॉइंट लुक। मतलब इससे आगे मैं पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूँ। एनिमे स्पिरिट सर ने तो मतलब 12 पॉइंट्स रखे थे बट मैं 10 ही रख रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरी वीडियो काफ़ी ही लेंथी बन चुकी है। तो गाइस मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, नंबर फर्स्ट पर लुक के मामले में आता है परमैन। जी हाँ गाइस, आप सही सुनिए, क्योंकि परमैन जो है मतलब जब परमैन वाला मास्क डालता है, हेलमेट डालता है, तो सच्ची में बहुत ही मतलब स्मार्ट दिखता है, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड नंबर पर आता है किक्रेट्सु, जो कि उसका चश्मा उसको लड़ाकू टाइप भी बना देता है, बट उसका जो चश्मा है मतलब काफ़ी ही मतलब उस पर सूट करता है, और उसकी कैप। तो गाइस नंबर थर्ड पर दो लोग आते हैं, जो कि है नोबिता और कैनिची, जो कि गाइस दोनों ही लुक वाइज काफ़ी सिमिलर है, दोनों ही मतलब काफ़ी सेम दिखते हैं। तो गाइस इसलिए मैंने दोनों को सेम रैंकिंग दी है, दोनों को मैंने थर्ड नंबर पर रखा है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वीडियो के एंड में मतलब बताऊँगा किसकी जिसकी सबसे कम रैंकिंग होगी वो आज की वीडियो का विनर होगा। तो गाइस नंबर मतलब थर्ड पर आता है हमारा कैनिची, जो कि जी हाँ गाइस आप सही सुन रहे हो, दो लोगों के बीच में टाई हो गया था। तो कैनिची आता है थर्ड नंबर पर 28 पॉइंट्स के साथ, मतलब 28 की रैंकिंग के साथ। सेकंड नंबर पर आते हैं नोबिता और किक्रेट्सु 22 पॉइंट्स के साथ। और फर्स्ट नंबर पर आता है परमैन 21 पॉइंट्स के साथ। तो गाइस मेरे को नहीं लगता था कि परमैन मतलब फर्स्ट आएगा, बट ज़्यादातर फर्स्ट सेकंड आया था, वो थर्ड और फोर्थ रैंकिंग में कम आया। तो गाइस इस वजह से जो कि है परमैन मतलब फर्स्ट आ चुके हैं, और गाइस सेकंड नोबिता और किक्रेट्सु है, जो कि गाइस मतलब वो काफ़ी बार फर्स्ट नंबर पर आए थे। और कैनिची ज़्यादातर थर्ड पॉइंट पर आया था या फोर्थ पर, तो गाइस इसलिए कैनिची को मतलब 28 की रैंकिंग मिली है। तो गाइस ऐसे मेरे को कंपेयर करना कुछ इतना अच्छा नहीं लगता है, बट ये मैंने फनली कंपेयर करा है गाइज, ये मतलब मैंने वैसे कंपेयर नहीं करा। तो गाइज आपकी चॉइस तो मतलब आपकी ही रहेगी, मतलब मैंने मतलब फनली ये मतलब कंपेयर करा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर देना। और वीडियो मतलब ख़त्म करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो गाइस प्लीज़ मतलब इसका तो ये मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एनिमे स्पिरिट सर के चैनल को भी प्लीज़, अगर आपने कभी नहीं देखा है उनका चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना उनका चैनल भी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।